हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहित गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल क्रैक कंपटीशन। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, जो कि 3 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी निकली हुई है। ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, इसके फॉर्म वगैरह स्वीकार किए जा चुके हैं। 3 सितंबर से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 23 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं इसके दौरान अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। काफ़ी लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है इस पोस्ट, क्या नेगेटिव मार्किंग भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी या नहीं। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं, तीनों पोस्ट का एग्जाम पैटर्न, साथ ही साथ कितने ड्यूरेशन का आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग होने वाली है या नहीं होने वाली, तो हर एक चीज़ आपको इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अगर आपको कंप्लीट देखना है विदाउट स्किपिंग, सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होने वाली है। अभी तक भी जिन कैंडिडेट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वैकेंसी के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रही है। हमारा जो चैनल है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों वैकेंसी कवर करता है, तो किसी भी अपडेट से मिस नहीं होना आपको। और व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम डायरेक्टली चलते हैं अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें आपको हर एक चीज़ आपको एग्जाम पैटर्न हर एक चीज़ आपको वहीं पर बताने वाले हैं, जिससे कि आप कोई भी मिसगाइड ना हो। जब अपने एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको वहीं पता चलने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये वेरियस पोस्ट पर आपकी जो वैकेंसी है, क्वालिटी एश्योरेंस एस्टैब्लिशमेंट हेस्टिंग्स कोलकाता की आपकी वैकेंसी, जिसमें आपकी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है एंड आपकी ड्राइवर की और एलडीसी की वैकेंसी है। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं आप चेक कर सकते हो, आपकी कैटेगरी वाइज एलडीसी की पोस्ट पर वैकेंसी है एंड ओबीसी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी ड्राइवर के लिए एससी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है और एक सर्विस मैन के लिए, तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पारी पास आपकी एलिजिबिलिटी रखी गई है इससे रिलेटेड। नाउ हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न उससे रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वीडियो में कंप्लीट देखनी है, तभी आपको इससे रिलेटेड हर एक जानकारी आपको मिलने वाली है। एंड अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं, काफ़ी लोग होते हैं कि सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर करें और व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होकर कनेक्ट रहे हमारे चैनल से, जिससे कि डेली बेसिस पे वैकेंसी की अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। और हमारा चैनल ऐसी वैकेंसी भी कवर करता है जो काफ़ी कम कैंडिडेट्स को पता होती है, तो इसमें आप फिल करके अपना सिलेक्शन ले सकते हो, तो हमारे चैनल की बेस्ट चीज़ रहती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपने फर्स्ट पोस्ट के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो कि आपकी स्टेनोग्राफर का रहता है, देन उसके बाद हम एलडीसी और देन उसके बाद हम ड्राइवर की पोस्ट का एग्जाम पैटर्न डिटेल में जानने वाले हैं। अगर जितने भी कैंडिडेट्स ने अभी तक भी इसके लिए आवेदन नहीं दिया तो आप आवेदन दे सकते हैं। 21 दिन का आपको समय मिला हुआ है, 3 सितंबर से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं और 21 दिन का ऑलमोस्ट आपको 23 सितंबर का आपको अच्छा खासा समय देखने को मिलता है। जो भी नॉर्मल स्टेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको 28 दिन का समय मिलता है, तो जितने भी इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनको अच्छा खासा समय देखने को मिलता है, तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हो। जिस भी कैंडिडेट का यहाँ पर नाम दिख रहा है स्टेट का या फिर कैपिटल का, तो आप के पास 28 दिन का समय मिलता है 3 सितंबर से, तो आप आवेदन दे सकते हैं। बाकी जितने भी जिस भी सिटी या फिर स्टेट का नाम नहीं लिखा तो आपको 21 दिन मिलते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपने फर्स्ट एग्ज़ाम पैटर्न, जो कि आपका स्टेनोग्राफर का रहने वाला है। स्टेनोग्राफर के एग्जाम पैटर्न आप इस तरीके से देख सकते हो। काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूज़न थी कि मैथ वगैरह आएगी या नहीं आएगी। ये आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आपको देख सकते हो, इजीली खुद ही देख सकते हो। आपके मैथमेटिक्स भी आपके एग्जामिनेशन में आने वाली है, चाहे वो स्टेनोग्राफर ही क्यों ना हो। हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के रिटन टेस्ट में, तो आपके 4 सेक्शन से आपके क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, जिसमें आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आपके पूछे जाने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आपके पूछे जाने वाले हैं, एंड जनरल इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन से आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आपके पूछे जाने वाले हैं, एंड मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसे कहते हैं 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आपके पूछे जाने वाले हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो आपके 100 क्वेश्चन जो कि 100 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। तो ये काफ़ी कैंडिडेट्स, ये काफ़ी वैकेंसी निकली हुई है DGQ की। पहले निकलती थी तो आपकी जो ऑलमोस्ट फॉर्म फिलअप के 1 से 2 महीने के दौरान ही आपका जो भी है एडमिट कार्ड आ जाते थे, तो आपका आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको फटाफट से अपनी तैयारी बना के रखनी है, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन और एडमिट कार्ड फटाफट आते हैं और आपका एग्ज़ाम भी करा लिया जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अपनी तैयारी पहले से ही बनाए रखें, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी भी शुरू कर दीजिए। अगर हम बात करें तो आपको जैसे मैंने बताया 100 क्वेश्चन जो कि 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। आपकी बात करते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन में कितना ड्यूरेशन का आपका रहने वाला है, चाहे वो आपकी स्टेनोग्राफर हो, एलडीसी हो और ड्राइवर की पोस्ट, तो आपको जो एग्जामिनेशन में जो टाइम मिलने वाला है 1.5 आवर, जैसा कि आप देख सकते हो 1.5 घंटे का आपको समय मिलने वाला है, जिसमें आप 90 मिनट का आपको समय देखने को मिलेगा। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं आपको 90 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना होगा, और आपका जो भी CBT वगैरह नहीं होने वाला है, इसमें आपका ग्राउंड वगैरह में आपको ये कंडक्ट करा लिया जाएगा या फिर किसी भी स्कूल वगैरह में आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा, और आपको ये ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपका पेन और पेपर के मोड पर कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें आपको OMR शीट वगैरह आपको फिल करनी पड़ती है, तो आपको 90 मिनट के अंदर आपको जो भी है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग
नो नेगेटिव मार्किंग आपको इस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी, तो ये चीज़ ध्यान रखना। आप फुल ऑफ अटेम्प्ट्स करके आ सकते हो अपने एग्जामिनेशन में, और 90 मिनट में जितना आपके पास कैपेसिटी है आप अपनी अच्छी तैयारी बना के जाएं और अपना 100% अच्छे मार्क्स के साथ अपना क्वालिफाई करें अपने रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट को भी। जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे रिटन टेस्ट को, जिस भी पोस्ट का हो, हर एक पोस्ट का सेम एज इट इज स्ट्रक्चर है। आपका रिटन टेस्ट पहले होगा, नेक्स्ट आपके पास उसका स्किल टेस्ट कराया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, शॉर्ट हैंड आपकी नॉलेज होनी चाहिए तभी आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई करें। फिर भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, स्टेनोग्राफर ग्रेड टू की पोस्ट रिलेटेड कुछ समझ नहीं आया, रिटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट वगैरह, हर एक चीज़ अगेन बताना चाहूँगा। 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं, 90 मिनट्स का आपको समय देखने को मिलेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी इस एग्जामिनेशन में। और बात रही इसकी सिलेबस की, तो नेक्स्ट वीडियो हम अपने चैनल पर लेके आएंगे, तो सब्सक्राइब करके अपडेट रहना है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो भी काफ़ी कैंडिडेट्स एलडीसी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो एलडीसी की क्या स्ट्रक्चर रखा गया है एग्जाम पैटर्न का, सेम एज इट इज़ अगर मैं बात करूँ, आपको टाइम ड्यूरेशन भी आपको सेम देखने को मिलेगी जितने की एलडीसी या फिर स्टेनोग्राफर चाहे ड्राइवर की बात हो, तो आपको 1.5 घंटे का ही आपको समय देखने को मिलेगा। एलडीसी के एग्जामिनेशन में आपको रिटन टेस्ट में आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आने वाले हैं, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज से आपको अनकॉम्प्रिहेंशन से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आपके आने वाले हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स जिसे कहते हैं 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आपके आने वाले हैं, तो आपके ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। OMR बेस्ड आपका पेपर आने वाला है, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं देखने को मिलेगी। किसी भी पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो जितने भी रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं उनको जो भी स्किल टेस्ट है वो बुलाया जाता है रिटन टेस्ट, जो कि टाइपिंग टेस्ट होता है स्किल टेस्ट में जो आपका कराया जाता है एलडीसी की पोस्ट के लिए, जिसमें आपको 35 वर्ड अगर आप इंग्लिश में देना चाहो, अगर आपको 30 वर्ड आपकी रहती है अगर आप हिंदी में देना चाहो, तो जिस भी लैंग्वेज में आप देना चाहो तो दे सकते हो। अब बात करते हैं ड्राइवर की पोस्ट के लिए, अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो किसी भी पोस्ट रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, हम आपका ज़रूर रिप्लाई देंगे। लेकिन आपका भी यही कर्तव्य बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारा चैनल आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय समय पर आपको वैकेंसी रिलेटेड लाता रहे। बात करते हैं ड्राइवर की जो पोस्ट है, सिविल एंड मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की आपकी पोस्ट है, रिटन टेस्ट आपका ड्राइवर की पोस्ट का कराया जाएगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, रोड सेफ्टी एंड ड्राइविंग रूल्स आपको आने चाहिए, क्योंकि आपकी ड्राइविंग से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन वगैरह से रिलेटेड पूछे जाएंगे, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए रोड सेफ्टी से रिलेटेड एंड ड्राइविंग रूल्स जो भी हैं, आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं 25 मार्क्स के, तो ये चीज़ ध्यान रखना। आपकी इस एग्ज़ाम में इंग्लिश नहीं पूछी जाने वाले, तो अच्छी बात है आप सभी के लिए। मैथ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बेसिक मोटर मैकेनिक्स से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, तो आपका इस तरीके से आपका रिटन एग्जामिनेशन डिज़ाइन किया जाएगा, जो कि ड्राइवर की पोस्ट का है। और आपको ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर आपको 1.5 आवर मतलब 90 मिनट्स का आपको समय देखने को मिलेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने को मिलेगी, 100 क्वेश्चंस हैं और 100 मार्क्स के ही हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। OMR बेस्ड आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, ऑफलाइन फॉर्मेट में आपका जो भी है पेन और पेपर के मोड पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, रिटन क्वालिफाई के बाद इसका जो भी स्किल टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट आपको देना पड़ेगा, तो इस रिलेटेड आप दे सकते हो अपना हर एक चीज़। और आपका जो भी डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, आपका एडमिट कार्ड इशू होंगे जल्द से जल्द, आपका भी आप अपने हिसाब से टेन्योर लगा सकते हो कि आप ये 23 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, तो अगर आपको सितंबर इसकी लास्ट डेट है तो आपको नवंबर या फिर दिसंबर में इसका जो भी एग्जामिनेशन है कंडक्ट करा लिया जाएगा DGQA कोलकाता की तरफ से, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अपनी तैयारी बनाए रखना आपसे रिलेटेड, और आपको हर एक चीज़ बताई दी जाएंगी, हमारे चैनल आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहेगा जिस भी पोस्ट रिलेटेड आप चाहते हो। आपको करना है सब्सक्राइब करना है और स्टे अपडेटेड रहना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है वीडियो को, और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।